पहला जरूर उठाया गया, लुइस को यहाँ पे जरूर स्प्रे करा, बट लुइस ने एम मोमेंट पे प्रोन कर रखा था, बट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। चाक्षिन जरूर नॉक हुए थे, बट उसके बावजूद यू लेवल अप विल हैव द लास्ट फाइनल लाफ वहां पे, क्योंकि बॉक्स गेमिंग को भी उन्होंने वहां पे फिनिश करा। बट अभी सर्कल की बात करें, केओजी डेड स्मैक सेंटर ऑफ द सर्कल, वाल्डिस के प्लेयर अच्छा खासा हाई ग्राउंड एडवांटेज, बट उनको भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव था, बट अभी भी उनके चारों के चारों धुरंधर जिंदा है। देखते हैं यहाँ पे मार्टिन स्प्रे ले रहे, वीरू को स्पॉट कर रखा है, बट वीरू भी बहुत अच्छा अपना पोजीशन ले चुके, कार भी इन्होंने डिप्लॉय कर दिया, ऑरेंज रॉक का भी यहाँ पे पुश आएगा, बट कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पे वीरू, ये एक का बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल बैक टू बैक वहाँ पे 10 प्लस 10 का डैमेज पड़ा। आप देखते हैं किस तरीके से वीरू वहाँ पे बसते हैं, ऑरेंज रॉक के बाकी प्लेयर्स किस तरीके से उनको वहां से एस्केप कराते हैं। वाल्डिस के प्लेयर जरूर अभी रुकेंगे, एज है उनके पास, वीरू को काउंटर करेंगे, अब पिन पॉइंट जरूर रहेगा, और देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट। बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स बीटीआर के नीचे से वो लोग क्लाइंब अप करेंगे, बिकॉज उन्होंने पानी वाला एरिया लिया जहां से वो लोग एंट्री लेंगे जोन की, बिकॉज कोई टीम ने वो चीज सोची नहीं, और बीटीआर को भी एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा कि नीचे से कोई टीम आ सके। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स क्लच गॉड दूसरी तरफ रहेंगे और जी गॉड रहेंगे रोड साइड के ऑपोजिट साइड, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स ये लोग बिल्कुल नेल रहे हैं, इनको पता है कि ज्यादा अभी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, बट अर्ली नॉकडाउन एंड फिनिश करेंगे हो जुआन को। ये फाइट आपकी मिड रेंज वाली फाइट आप फॉर श्योर लेने की कोशिश, 3 किल ऑलरेडी आ चुके हैं, बट बीटीआर के जक्सी नॉकडाउन करेंगे। दैट वाज अ पीकाबू मोमेंट फॉर बीयर 11 आल्सो, बिकॉज राइट हैंड साइड से बहुत ज्यादा एक्सपोज थे, एंड मिनी 14 का एक अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन भी देखने को मिला, बट श्राइडर एज यू कैन सी नीचे स्विम करते हुआ नजर आ रहा है सिनर्जी का स्क्वाड। देखते कब तक वो ऊपर आएंगे, सीरवी को क्या स्पॉट कर बैठे जक्सी, बट जक्सी जब तक स्मोक डालेंगे क्या ऑरेंज रॉक का स्क्वाड सामने से काउंटर शॉट डालेगा, ये जरूर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट सिनर्जी के प्लेयर्स पानी में तैर रहे, शायद गोइंग फॉर द सर्वाइवल पॉइंट्स, और देखते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक या दो ही जगह है जहां से आप निकल सकते हो, आपको प्रिसीजन यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। बीटीआर के प्लेयर्स एक अच्छा हाई ग्राउंड उन्होंने जरूर होल्ड कर रखा था, बट उनकी पोजीशन सारी टीम्स को पता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली, और उनको नीचे आने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जक्सी इन द मीनवाइल यहाँ पे ऑरेंज रॉक के गिल को नॉक कर चुके हैं, इनको सर्कल के जो माय गुडनेस ये शिफ्ट देखिए यहाँ पे सिनर्जी डेड स्मैक सेंटर पे, सारी टीम्स को अभी रोटेट करना पड़ेगा, पानी के अंदर एक सर्कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। आई वॉन्ट अ वॉटर सर्कल, क्या बन सकता है यहाँ पे, क्या टीम सिनर्जी जहाँ पे है वहां पे कोई टीम और कूद के उस वाले वॉटर सर्कल में जाने की कोशिश, बट नियो ने एक ओपनिंग निकाली आ रहा है, क्योंकि D2E को नॉकडाउन करके मिड रेंज वाली फाइट है। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स ही MK14 चला रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट जक्सी ने नॉकडाउन करा ऑरेंज रॉक के स्काउट को, मल्टीपल नॉक जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट कोई फिनिश नहीं कर पाएंगे बिकॉज मिड रेंज वाली फाइट है, बीटीआर पुश ही नहीं कर सकते ऑरेंज रॉक के पास, मल्टीपल टीम्स बीच में, गैस स्टेशन आएगा जहां पे बीच में आपको बहुत सारी केओजी का स्क्वाड भी देखेगा, जो कि पूरा स्क्वाड अभी भी जिंदा है। टीएसएम एंटिटी के भी 5 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, चारों प्लेयर जिंदा है, क्या एक प्लान बनेगा टीएसएम एंटिटी का कि स्लैम इन करे आरआरक्यू, बिकॉज आरआरक्यू को क्लियर करे आरआरक्यू और मे बी केओजी को क्लियर करे बगैर आप जोन में नहीं आ सकते, बिकॉज आपके लिए गेट कीप ऑलरेडी हो चुका, बट बीटीआर के पास फाइट जरूर इनविटेशन देने के लिए आ चुके आरआरक्यू का स्क्वाड, बट माइक्रो हो जाएंगे नॉकडाउन G9 के द्वारा, ग्रेनेड फेंके जाएंगे, क्या एक और फिनिश देखने को मिलेगी यहाँ पे, मल्टीपल ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं इस फेंस के पीछे की सारी ये फाइट रहने वाली है। क्लच गॉड आ चुके अपनी कार ओनर पार्क करें, बट राइजन नीचे जा चुके हैं, क्या टीम सिनर्जी के प्लेयर्स उन्हें स्पॉट करेंगे, अगर स्पॉट करते हैं क्या उनको नॉक करेंगे, बट फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स काफी करीब आ चुके हैं बीटीआर के। टीएसएम एंटिटी के जॉनथन ने अपने बगी से छलांग लगा ली, राइजन ने यहाँ पे स्पॉट कर रखे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को, कब शॉट लेते हैं, बट उससे पहले अर्नी यहाँ पे अपना किल जरूर कंफर्म करेंगे, बिल्कुल उनके नीचे जक्सी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड से भी शॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट केओस का सिचुएशन चल रहा है, सारी टीम्स एक दूसरे पे भारी हो रहे, श्राइडर वहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, श्राइडर को फिनिश भी कर दिया, बट राइजन यहाँ पे नियो के ऊपर हावी हो रहे थे, बट टीएसएम एंटिटी के क्लच उनको फिनिश कर देंगे, जिसके चलते बीटीआर की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट, बट अभी तक खतरा टला नहीं है, ऊपर आरआरक्यू मौजूद है, सामने ऑरेंज रॉक मौजूद है, नॉर्थ वेस्ट पे वाइल्डस की स्क्वाड मौजूद है, बट उनके साथ भी ऑरेंज रॉक के मावी यहां पे फाइट ले रहे हैं। बिल्कुल वाइल्डस के लिए एक गेटकीप डालने की कोशिश करेंगे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, मावी ने जरूर एक नॉक निकाला था, कितनी देर में कंफर्मेशन आएगी वो देखना बाकी है, बिकॉज दो प्लेयर्स स्काउट और गिल आगे जा चुके हैं, बाकी के दो प्लेयर्स मावी और वीरू बाहर का जो भी भार है वो संभाल रहे, बट अभी टीएसएम एंटिटी के दो ही मात्र प्लेयर बचे, न्यू क्लच गॉड देखते कितनी आगे वो लेके जा पाते, बट G9 का प्रेशर जरूर बना रहेगा उनके ऊपर। टीम सिनर्जी के टेड आखिरी प्लेयर बचे हैं, सूप ऑरेंज रॉक के वीरू को पूरा फिनिश करेंगे, तीन ही प्लेयर मात्र ऑरेंज रॉक के बचे हैं, बट सूप 77 एक और नॉक निकालेंगे, बट G9 को क्या नॉक कर पाएंगे टीएसएम एंटिटी ने, बिकॉज एक गन फाइट आने वाली है, प्रोन डाउन हो चुके हैं ऊपर ऑलरेडी, बट D2E को स्पॉट कर चुके हैं, और क्लच गॉड यहां पे बहुत एक क्रूशियल पोजीशन पे मौजूद है, यहां पे D2E कांस्टेंट दबाव डाल रहे हैं, टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स बहुत ही बड़े खतरे में, उनको निकलना भी पड़ेगा, D2E पे डैमेज
गया था जरूर, बट वो चिप डैमेज था। बहुत ही अच्छा स्प्रेड यहाँ पे 3-1 स्प्लिट फिर से देखने को मिलता हुआ G9 की तरफ से। यहाँ पे RRQ ऑन द वर्ज ऑफ अ गुड चिकन डिनर। G9 का यहाँ पे नेट जाता हुआ क्लच गॉड हो चुके नॉक, बट मवी का रिटेलिएशन फायर आता हुआ G9 को इंस्टेंटली नॉक किया, एक ही सांस में उनको फिनिश कर बैठे। मवी फिर भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पियर 11 को स्पॉट कर चुके और ये दूसरा नॉक आता हुआ। हाल ही में TSM/ATTV एलिमिनेट हो चुके, बट सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। स्काउट और गिल एक चट्टान के पीछे यहाँ पे पानी के अंदर तैर रहे, बट मवी ऊपर से चारों तरफ कहर बरसा रहे हैं। बिल्कुल तीनों प्लेयर उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या पता स्काउट और गिल अभी और ऊपर होते तो मल्टीपल किल निकाल सकते, बट D2 ने नॉक डाउन करा की OG के ब्रागा को। कॉन्सेप्ट किस तरीके से फाइट निकाले, बट बॉशा को जरूर स्पॉट करा वापस से D2 ने, बट टीम सिनर्जी टेड उनको सिर्फ आराम से बैठना भी क्या स्विम करना है और वो रॉक के पीछे आपको कवर बना के रखना, बट गिल और स्काउट को क्या स्पॉट कर बैठे हैं प्लेयर्स। आ रहा क्योंकि अर्नी इतना तो ओपन में जाने की कोशिश नहीं कर, बिकॉज मावी किसी भी टाइम पे सामने से स्प्रे डाले, बट BR11 को रिवाइव मिल चुका है। बट टॉप 4 टीम्स हमारे पास जिंदा है, टॉप 10 प्लेयर्स हैं, 8 किल्स लेके यहाँ पे T17 ने अभी भी जस्ट लास्ट टीम जो थी उन्होंने एलिमिनेट करा। अब देखते हैं 7वां जोन है, BR11 जंप करते हुए नजर आए, मावी स्पॉट कर चुके हैं, बट स्काउट और गिल क्या वो थोड़ा सा पीछे आके फाइट ले सकते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत क्या कवर बन सकता है, बिकॉज गिल और स्काउट अभी इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते लाइक अदर देन दैट गोइंग फॉर दो सर्वाइवल पॉइंट्स, बिकॉज अब आपको गन फाइट दिखानी पड़ेगी। क्या मावी अकेले ऐसे प्लेयर होंगे जो यहाँ से, बिकॉज उनका किल एक भी कंफर्म नहीं हुआ, उनके पास सिर्फ 391 का डैमेज है किल्स, कोई कंफर्मेशन। नॉकआउट्स उन्होंने जरूर करे बहुत सारे, बट KOG के साथ फाइट होने देनी पड़ेगी उन्हें पहले RR, क्योंकि बिकॉज ऑरेंज रॉक का सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा है और मे बी गिल अब आ चुके हैं नीचे वाले रिच पे, बट इतना ज्यादा वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उस फाइट में। आई थिंक गिल और स्काउट यहाँ पे सर्वाइवल पॉइंट्स निकाल रहे सेंटर पे सर्कल के, तो वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। मावी फिलहाल अपने टीम के लिए एंकर का रोल अदा कर रहे, उनको भी पता है जितने देर तक जिंदा रहेंगे यहाँ पे उनको काफी अच्छे किल्स निकाल सकते हैं, बट मवी ने भी यहाँ पे लगा लिए छलांग। RR क्योंकि बेयर 11 यहाँ पे अभी कोशिश करेंगे, KOG के बॉस दा को उन्होंने स्पॉट कर रखा है, शॉट्स भी लिया बट शॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाए, बट देखना जरूर रहेगा कि जो फाइनल सर्कल होता है क्या वो पानी की तरफ फेवर कर रहा है, क्योंकि मवी भी यहाँ पे स्काउट की तरफ तैर के जा रहे हैं, बट सिनर्जी के टेड अमिडस्ट ऑल दिस केओस अभी भी पानी के अंदर तैर रहे हैं। RR क्योंकि बेयर 11 कॉन्सेप्ट को नॉक करते हुए गेल ने उनका किल जरूर चला लिया। गेल वापस आ चुके हैं यहाँ पे, लैंड मास ले चुके और यहाँ पे कहर बरसा रहे हैं। एनर्जी के टेंट अभी भी तैर रहे, शाउंड यहाँ पे आ चुकी है। RR क्योंकि प्लेस को और उसका फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। मवी और स्काउट एकजुट होकर पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। गेल यहाँ पे आई थिंक वेट करेंगे, उसके बाद गेल यहाँ पे उनके किल जरूर निकालेंगे, बट यहाँ पे मवी को भी स्पॉट कर दिया गया। अर्नी का नॉक आता हुआ, स्काउट यहाँ पे बचे थे, निकलने की कोशिश की, वापसी पानी के अंदर चले गए। कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर स्काउट यहाँ पे एक ओपनिंग निकाल के दे रहे तो गिल का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट स्काउट जा रही है मावी को रिवाइव देने के लिए, कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला, बट एक लो टॉस ग्रेनेड जाएगा, क्या अर्नी का ये ग्रेनेड फूटेगा, एंड द आंसर इज यस, मावी हो जाएंगे फिनिश एंड स्काउट हो जाएंगे नॉक। KOG के ब्रागा आराम से प्रोन डाउन, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक ही रिच के पीछे, बट ऊपर से अब हो जाएंगे स्पॉट, ब्रागा नॉक डाउन हो जाएंगे, अब मे बी फिनिश हो जाएंगे। ओके ये What was that? ये क्या था? ब्रागा के बॉडी के ऊपर चढ़ के बैठे, बट अब सामने गिल रहेंगे, ब्रागा को पता तक नहीं चला, बट D2 कितना लेट उन्होंने स्पॉट करा, बट देखते गिल कितनी देर से ये वाली फाइट निकाल पाएंगे। उनको पता है कि अब उनके ऊपर आ चुके, एक ही जरूर रहेगी, बट ये वाली फाइट गिल जरूर निकालेंगे। एक नॉक किया उन्होंने, बट अर्नी का एक बियर 11 का पीछे से एक कवर फायर आएगा, ऑरेंज रॉक हो जाएगी वहां पे एलिमिनेट, बट ये फाइट टीम सिनर्जी का टेड अभी भी जिंदा है और ये स्पॉटिंग RRQ के प्लेयर्स ने कर रखी है। अर्नी ग्रेनेड फेंक रखा राइट हैंड साइड पे, ग्रेनेड आता तो टेड हो जाएंगे फिनिश, बिकॉज उनके पास अब कोई चारा नहीं है, उनके पास हेल्थ ही अब 40% बची हुई है मात्र। सिनर्जी के टेड, सिनर्जी ऐसी टीम, बहुत ही अर्ली इन्होंने छलांग लगा ली थी पानी में और वहीं पे आके सर्कल बना और टेड काफी देर तक जिंदा रहे, बट कितने देर तक, ऑलमोस्ट RRQ का चिकन डिनर हो चुका है। अब अगर आप मिनी मैप देखो तो जोन क्या टेड के ऊपर बना हुआ है, उनको आगे जाने की जरूरत है कि नहीं, बट RRQ के प्लेयर को फॉर श्योर आगे जाने की जरूरत है। आप देख सकते हो D2 ऑलमोस्ट आ चुके अंदर विदाउट हील और अर्नी बाहर रहेंगे, बियर 11 भी बाहर रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फाइट, व्हाट अ जोन आपको PMWL के फाइनल्स में देखने को मिलेगा, जहां पे 9वां जोन होगा क्लोज इन फाइनल सर्कल की फाइट। D2 स्विम करते हुए नजर आएंगे सिनर्जी टेड के पास, ए ड्रॉप मात्र सिर्फ एक डमी ए ड्रॉप बन के रह जाएगा, बिकॉज उसमें ऑम है तो भी कोई फायदा नहीं है, बट सिनर्जी टेड जाके एक बार हाई बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑल पे जाके एक बार लाइक कुछ कॉन्वर्सेशन हो, क्या कॉन्वर्सेशन हो वो भी अगर हमें पता चल सकती है तो दैट वुड बी बेटर, बट बियर 11 भी आएंगे, अर्नी भी आएंगे, बट टेस्ट मार्केट D2 को फिनिश करा। ओके वहां पे क्या एक अभी भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे, क्या टेड खड़े होके वो गन निकाल के मार सके, बट अर्नी के पास अच्छी खासी हेल्थ है, बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज
लाइक फर्स्ट टाइम फॉर मी आल्सो लेट इट ब्रीद. आई थिंक हम लोग को देखना चाहिए आराम से बैठ के हो क्या रहा है. मतलब यहाँ पे वी कैन डू दैट बट सिनर्जी के टेड कुछ ज्यादा ही आगे पीछे हो रहे हैं. ये कुछ डिफरेंट ही फाइट बट अब क्या वो ऐसे डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं सर मार के. ओके अभी भी कोशिश जरूर चल रही है और नहीं दूर थोड़ा सा दूर बैठे बट वीयर 11 थोड़ी सी फाइट लेते हैं जरा. बट सिनर्जी टेड के हाथ में क्या वो गन आई थी वो एक चांस क्या बन सकता है. बट वीयर 11 की मेरे को समझ नहीं आ रही कि हेल्थ कैसे कम हुई इतनी. बट अर्नी की हेल्थ अगर हम बात करें दोनों साइड से जकड़ लिया जाएगा तो टीम सिनर्जी टेड ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे. बट अभी लाइक वो पत्थर अगर जोन में रहा लाइक अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. जोन तो अब है नहीं. अब हील बैटल आपका जोन आ चुका है. लाइक दिस इज द एंड जोन डेथ सर्कल. टीम सिनर्जी टेड अभी भी कोशिश कर रहे हैं बीटीआर यहाँ पे वीयर 11 माफ कीजिएगा. ये कास्टिंग कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है. आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट बट अर्नी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं. टीम सिनर्जी के टेड अब स्विम करके वापस से उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर बट स्टिल वी कैन एंजॉय दिस. एब्सोल्युटली इसको एंजॉय ही करने देंगे. और यहाँ पे अगर फाइनली अगर हील बैटल की तरफ जाता है तो अर्नी की एचपी जरूर है. बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इतने इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले आज तक ऐसा सर्कल. आई थिंक बहुत ही रैली देखने को मिला और बियर 11 को भी फिस्ट कर दिया टेड ने. ओ माय गुडनेस इनको गन की जरूरत नहीं. इनको बस हाथ पकड़ा दो यहाँ पे काफी है आरआरक्यू के साथ डील करने के लिए. और आई थिंक एक अच्छे पंच फाइट हो रही है बट फाइनली आखिरी में जो एक स्प्लिट डैमेज था वो टेड ने दिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो फिस्ट रहती है. बट आरआरक्यू अथीना निकाल के जाएगी वो वाला चिकन डिनर. बट एक्चुअली वी डोंट नो बट वी हैव टू से ओवर हियर.